दो मामलों में सजा काट चुका एक अपराधी लगभग एक वर्ष से फरार चल रहा था, लेकिन उसका कोई ठिकाना न होने पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। एक साल बाद आखिरकार सहसपुर पुलिस ने धोखेबाज को हरिद्वार के सिड़कुल इलाके से गिरफ्तार कर ही लिया। आपको बता दें कि 4 अप्रैल 2017 को थाना सहसपुर पर रविंद्र गुप्ता ने कमल गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस का दावा है कि कमल गुप्ता शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर था और वर्ष 2009 में रजिस्टर्ड अपराधी के रूप में सामने आया और इसने ATM चेंज कर 2 लाख रुपए निकाले थे, जिस पर थाना सहसपुर से वर्ष 2009 में जेल गया था और इस अपराध में न्यायालय द्वारा उसे एक वर्ष की सजा दी गई। सजा काटने के बाद बाहर आने पर कमल ने धोखाधड़ी करना ही अपना पेशा बना लिया था और वह लोगों को ठगने लगा। वर्ष 2016 में कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के बेटे को बलात्कार के केस में जमानत पर बाहर निकलवाने के नाम पर उनकी मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस ने अपराधी के पास से एक एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।